फिर ना ये देखो जी टी ए फाइव की तरफ लगा रखे अपने फार्म के अंदर ना तो भाई देखो कुछ इस तरह से चाइना के गांव दिखते हैं और ये एक चाइना के गांव की फैमिली है जिनके साथ हम पूरे टूर ले रहे हैं अच्छा बाहर देखो भाई यहाँ पे भी हैंड पंप होता है जैसे अपने इंडिया में है ना तो इस तरह से देखो तो यहाँ भी देखो इस तरह से पानी निकलता है जमीन में से तो भाई बीस तरह की सब्जियां उगती है यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख सकते हो वर्ड वर्ट दिस अच्छा है यार विलेज तो मतलब ऐसे ग्रीन ग्रीन सा पर ये देखो ना आप भाई गांव में भी कितनी साफ सफाई है अब आगे हम भाई खुले एरिया में चाइना के देसी गांव आप इन्हें कह सकते हो तो वापस से भैया फाटक का सीन अभी सोहन जा रहा है अंदर गेट खुलवाने के लिए पार्किंग का और आज भाई आपको ना मैं लेकर जाने वाला हूँ चाइना के देसी गांव में जी हाँ भाई हमारे जो गाइड है ना वो चंदू सिटी से ही है जिस वक्त अभी हम यहाँ पर है तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करवाई है उन्होंने कहा है कि आपको ना चाइना के विलेजेस दिखाता दो चलो मैंने उन्हें कहा था कि हमें देखने हैं अरे खुल गया खुल गया गेट खुल गया पहले गाड़ी निकाल लू भाई वरना फिर ना बंद हो जाए चलो भाई चलो ये तो टेंशन खत्म हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अरेंजमेंट करवा दिए गाँव में यहाँ से लगभग फोर्टी किलोमीटर है एक घंटा लगेगा यहाँ से जाने में मेन सिटी सेंटर से जाओ आ जाओ प्रावा जाओ बैठो तो जल्दी जल्दी जाते हैं भाई आपको भी दिखाता हूँ चाइना के गांव कैसे दिखते हैं और वहाँ के लोगों का दिन चल रहा क्या है बाकी यार एक और नया दिन एक और नई जर्नी आज है भैया चार जनवरी 2024 मैं हूँ अभी चाइना के खूबसूरत शहर चंदू में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर एक दिनों के लिए जिसमें हम भाई ग्यारह से ज्यादा देश कवर करेंगे एंड पच्चीस किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही भाई एपिक वाली रोड ट्रिप है जैसे आपने लंडन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया वैसे इस पे भी लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके तो ट्रैफिक नहीं होता हो, खड़े तो तो दो दो तीन तीन रहो नॉर्मल गाँव का नाम तो समझ नहीं आ रहा है हमारे गाइड ने डायरेक्ट लोकेशन दिया तो उन्हीं से पूछूंगा वहीं जाके नाम क्या गाँव का और अगर आप भी मेरी भाई पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट जी भाई अपने बिना पैसे लगाए साथ ही साथ भाई ट्रेवल करते करते पैसा कमाना भी चाहते हो बताओ फ्री में ट्रेवल

बट वो है, पहले रोड क्रॉस कर रहे थे फिर अब हमें जाने दिया। आज तो भैया मौसम धुंध ऐसा हालांकि ठंड इतनी नहीं लग रही चौदह डिग्री टेम्परेचर है बाहर बट मौसम खराब हो गया तो शूट करने में ना ऐसे में दिक्कत आती है भाई, जब लाइटिंग नहीं होती ना तो अभी देख लो दोपहर हो रही है और दोपहर को ऐसा लग रहा है जा भाई अब फिर बोल पड़ी यार ये आ, मैं कह रहा था कि भाई दोपहर में भी ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो रही हो छः सात बज रहे हो है ना तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना वीडियो क्वालिटी में आज हाँ पे ये भाई देखो लोहे के बैरिकेड लग रहे हैं ना ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही है तो देखो पानी डालने के लिए इन्होंने पूरा भाई पाइप वाइप ही सेट कर दिया स्प्रिंकलर वाला ओक ओक मज़ेदार भाई सब टेक्नोलॉजी तो मतलब वही है थोड़ा एडवांस हो गया चाइना काफ़ी ना मतलब ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें ले आते हैं कभी कभी बाकी आप चंदू में देख सकते हो भाई हाई राइज बिल्डिंग्स काफ़ी सारी है ऐसे मस्त एकदम और इधर भी देखोगे तो बड़े बड़े मतलब प्रॉपर डेवलप्ड सिटी है भाई काफ़ी बड़ी और इनकी ऐप तो भाई मस्त है ही देख रहे हो हर चीज़ दिखाती है रेड लाइट में कितना टाइम है कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है कहाँ पे नो हॉन जोन है मतलब हॉर्न नहीं बजाना चाहिए सब कुछ आता है इस ऐप में भाई ट्रैफिक से जल्दी जल्दी निकले भाई क्योंकि ये गांव जाने के लिए मुझे लग रहा है हाईवे तो पकड़ना पड़ेगा ही अब ये सिटी के ट्रैफिक में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वैसे तो 40 किलोमीटर है अगर हाईवे हाईवे होता तो 20-25 मिनट में नाप देता मैं पर गूगल मैप दिखा रहा है एक घंटा यानी कि जाम से निकलना है हमें सिटी के आउटर एरिया में निकले है यहाँ पे भी मतलब ट्रैफिक तो नहीं आप कह सकते लेकिन हाँ गाड़िया काफी ज्यादा है तो मतलब वो प्रॉपर वाला हाईवे नहीं कि 100 120 की स्पीड में चलाओ अपना वही है सत्तर अस्सी बस इतना ही चल पाती है यहाँ पे अच्छा आपको ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता बता पूरे ही चाइना के बारे में यहाँ पे जितने भी लोगों के पास अपने घर है ना भाई वो एक्चुअल में उनके घर नहीं है वो सारी की सारी ज़मीनें गवर्नमेंट की है जी हाँ भाई गवर्नमेंट जो है वो पूरे चाइना की ज़मीन को ओन करती है और गवर्नमेंट ही लीज पे देती है सत्तर सालों के लिए सेवेंटी ईयरस तो अगर मान लो मैं कोई भी घर खरीद रहा हूँ या कोई भी अपार्टमेंट खरीद रहा हूँ तो एक्चुअल में वो जो ऊपर का बिल्डिंग बना रहा हूँ ना मैं वो गवर्नमेंट की ज़मीन पर बना रहा हूँ जिसको मैंने लीज पे लिया है आप यहाँ पे कोई भी जमीन खरीद ही नहीं सकते पूरे चाइना में क्योंकि गवर्नमेंट ही अपने पास रखना चाहती है सारी जमीनें तो बताओ भाई मैं सोचो इतनी बड़ा जमीन लूँ उस पर घर बनाऊँ और सत्तर साल बाद वो जमीन ही मेरी नहीं है तो उस चीज में गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ती है या गवर्नमेंट आपकी जो है वो लीज को रिन्यू कर देती है क्यों अलग ही बात है भाई बंदा मतलब वही है फिर अब खरीदना तो पड़ेगा ही पूरे चाइना में ऑप्शन ही नहीं है जब अगर किसी के पास है ना तो ये आप लेफ्ट राइट में जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे देख रहे हो ना भाई अभी जिसने ही बनाई हो चाहे बिल्डर ने चाहे गवर्नमेंट ने, ने या किसी प्राइवेट बंदे ने ये जमीन जो है सिर्फ सत्तर साल के लिए है तो आप अगर अपार्टमेंट खरीदोगे समझ लो सत्तर साल के लिए खरीद रहे हो खाली यहाँ पे परमानेंट कोई जुगाड़ नहीं जैसे अपने इंडिया में तो चलता है ना कि भाई दादा वगैरह ने ख़रीद ली और उनके बच्चे फिर उनके पोते पोतों के पोते सबको वो ज़मीन आगे पास ऑन होती रहती है बट यहाँ की गवर्नमेंट कहती है आपकी एक लाइफ है तो हम आपको सत्तर साल तक ही लीज पे देंगे उसके बाद फिर आपके बच्चे जाने मतलब उनका कोई रोल नहीं है तो ऐसा सीन है भाई लोग और है भी काफ़ी महंगी अभी गाँव जा रहे हैं वहाँ पे देखते हैं भाई ज़मीनें वगैरह कैसी है और कितने की मिलती है सिटी में तो हमारे गाइड बता रहे थे बहुत महंगी मिलती है भाई यहाँ से सिर्फ एक किलोमीटर बचा है लोकेशन तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये गांव शुरू हो गया भाई बट ये गांव कहीं से आपको दिख रहा है ये तो प्रॉपर एक बसी बसाई शहर है एक है ना भाई साहब पता चले चाइना के गांव भी ऐसे शहर की तरह ही लगते हो क्योंकि देख रहे हो सारी पक्की कंस्ट्रक्शन है भाई यहाँ पे कोई वो टीन विन के घर नहीं है ना जो प्रापट्टी है कुछ भी वो खेत तो मेरे को दिख ही नहीं रहे पता नहीं क्या सीन है एक चलो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं फिर देखते हैं क्या है क्या पता हो कहीं पे वो गली में हाँ भाई अब आया ना गांव तो वो देखो खेत वेत दिखने लग गए है अब पर घर तो यहाँ भी पक्के हैं भाई पूरे के पूरे बट हाँ ये है कि खेत है तो गांव वाली फील आ रही है अभी 500 मीटर और आगे जाना है गाइड हमारे मैसेज नहीं कर रहे भाई यहाँ देखो फार्मिंग कैसे होती है अभी ये रुको उतर के दिखाता हूँ अच्छे से क्योंकि ना ये देखो जी टी की तरफ भाई इन्होंने टेंट लगा रखे अपने फार्म के अंदर ना यहाँ पे ठंड इतनी पड़ती होगी क्योंकि तो आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ किस किस चीज़ की खेती बाड़ी हो रही है इधर और घर भी जाएंगे अभी हम किसी के भाई और वहाँ पे यहाँ का लोकल वेजिटेरियन खाना बनवाएंगे जी हाँ भाई हमारे गाइड ने स्पेशली वेजिटेरियन खाना बनवाया हमारे लिए लोकल तो सब कुछ ट्राई करेंगे मज़ा आने वाला है आज गाड़ी लगाते हैं कहीं साइड में मस्त एकदम फिर देखते हैं सीन क्या है लोकेशन तो भाई ये ही है राइट साइड में तो गाडी को खड़ी कर देते हैं इतने ही और फिर चलते हैं भाई शायद से ये हमारे गाइड ही है क्या

Uh, many years ago. Okay. Well, Prince. Oh okay. uh you see this picture? Uh -huh. uh, my student groups come to here and uh, uh -huh. uh, Painted. This. Yes. Oh, okay, okay. Uh before the COVID nineteen. Mm -hmm. Five years ago. Okay. Yeah. And uh, the that, that night we you know the fire set a fire in the middle of this yard we we dancing oh. we're happy. <laughs> so uh, what's the name of this village? Uh means that मूल नाम है जो लिंगशिचुन है,现在行政合并叫永安村। ओ, योंगआन विलेज। तो भाई इस गांव का नाम है युंगा विलेज और ये जो मोहतरमा है वो हमारे गाइड के बचपन की फ्रेंड है। तो ये लोग जो है यहां पर आके ऐसे पार्टी-वार्टी करते हैं, बोनफायर वगैरह। तो आज देखते हैं भाई क्या-क्या हो सकता है। थोड़ा सा टूर भी करते हैं गांव का और फिर उसके बाद खाना-वाना खाएंगे। कुछ क्योंकि सुबह से खाया तो कुछ भी नहीं है। ओके। Anmol. yes. My name is Anmol and his name is Sohan. 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 Yes. Sohan. Sohan, yes. Who? And what's your name? Have I said first? Can we take a tour of the village first? Because it will get dark. ओके 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 आज थोड़ी देर अंदर बैठते हैं ये देखो भाई यहाँ भी इन्होंने मसाजिंग चेयर लगा रखी है देख रहे हो घर घर में मसाजिंग चेयर होती है यहाँ पे तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं भाई फिर उसके बाद टूर दूंगा आपको तो एक्चुअल में होता क्या होगा भाई खेती बाड़ी करने के बाद थकान हो जाती है ऑब्वियसली तो इसलिए मसाजिंग चेयर रख रखी है कि इसमें आके अपनी थकान पूरी की पूरी उतार दो मस्त भाई साहब तो भाई आपको मैं बता दूँ जो यहाँ के गाँव होते हैं ना या फिर आप यूरोप यूके के भी गाँव देखोगे इनको बोलते कंट्री साइड जैसे अपने इंडिया में तो विलेज या गाँव बोल देते हैं लेकिन यहाँ पे बोलते कंट्री साइड ठीक है जी तो अभी आपको छोटा सा टूर देता हूँ तो ये इनका पूरा का पूरा ना भाई घर है घर में क्या होता है एक होता है आपका किचन

बट आई ड्रिंक सो वट दिस लोटस लीव क्योंकि तिब्बत में भी हमें मिलती थी ना ऐसी चाय तो वो तो बता रहे Jasmine, थे जैसमिन जैसमिन फ्लावर के पत्ते डले हुए इसमें बहुत ज्यादा गर्म है भाई मीठा तो नहीं है बिल्कुल भी गरम पानी में पत्ते डाले हुए तो फ्रेगरेंस उसकी बहुत आ रही है और टेस्ट आ रहा है इट्स गुड इन इंडिया यूजी टी विद लोट ऑफ शुगर टी Milk tea. Milk tea. Yes, milk tea. बट बेटर like yes, yes, <laughs> 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 इंडिया की चाय तो भाई अलग ही है जो भी चाय पीते हैं उनको पता ही है इंडिया की जैसा टेस्ट आपको बहुत कमी देशों में मिलेगा बट ये भी अच्छा है आप देखो जिस देश में आया है उस देश का ट्राई करना चाहिए ना तो ठीक ही है मैंने इनसे परमिशन लिया है कि आपके घर का टूर दे सकते हैं ना तो वो भागते भागते गए अपना थोड़ा सेटअप सही घर में मतलब फैला रखा होगा ना इधर उधर वही इंडियन मम्मियों वाला हाल है

चार रूम एंड ऊपर भी है भाई साहब पूरा का पूरा वो पता नहीं क्या है अभी देखते हैं एंड इधर की तरफ देखो आगे ऐसे पूरी ये पार्किंग सी बनी हुई है गाड़ी लगाने के लिए ये हमारे गाइड की गाड़ी है वो अपनी पता ही आपको बीस्ट भाई और ये स्कूटर इनका होगा शायद से ओके भाई अच्छा बाहर देखो भाई यहाँ पे भी हैंड पंप होता है जैसे अपने इंडिया में है ना तो इस तरह से देखो तो यहाँ भी देखो इस तरह से पानी निकलता है जमीन में से इस तरह से इन्होंने पाइप लगा दिया आगे और एक ये टैंक बना रखा है जिसमें पानी पूरा स्टोर होता है तो कुछ कुछ गांव में जो है वो टैप वाटर भी है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे सीधा नलके है इस तरह के तो यहाँ पर इनके पास ये है दिस इज टैप टैप वाटर 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 ड्रिंकिंग और नॉर्मल um, okay, yes. okay. yes. तो भाई जो भी टैप है इंडिया की तरह डायरेक्टली आप कंज्यूम नहीं कर सकते जैसे यूरोप में तो आप स्विट्जरलैंड वगैरह में सीधा पानी जो आ रहा है टैप से बोतल भरो और पी लो लेकिन पूरे चाइना में आपको वही आर ओ लगवाना पड़ेगा या बॉइल करना पड़ेगा आओ सबसे पहले किचन दिखाते हैं वो भाई साहब मुर्गा भी है इनके पास तो ये देखना हैलो कुगड़ू को कुड़ुक्कू सो देव दिस फोर एग्स और टू ईट एग्स एग्स अंडे के लिए है भाई है न यानी कि है तो ये देखो जी इस तरह की इनकी किचन है यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाइंसिस वगैरह तो है भाई इनके पास भी प्रॉपर ये सब बनाने के लिए और बीकर्स वगैरह हमारे लिए खाना रेडी हो रहा है पता नहीं क्या क्या बनेगा पर वेज बनेगा जो भी और इस तरह से देखो भाई लकड़ियाँ वगैरह है फॉर कुकिंग और जो भी प्लांट्स वगैरह तो पर इनके पास क्या है यहाँ पे सिलेंडर भी है भाई तो सिलेंडर ही गैस से डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये कुकिंग कर लेता है मतलब ऐसा समझ लो वो वैसा वाला सीन नहीं है कि लकड़ी का चूल्हा है और उसमें खाना बन रहा है 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 इस तरह से बाकी ये ये सारे बर्तन वगैरह इनके टेबल हैं और छत पे आप देखोगे तो 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 लाइट लगी हुई है एक बिजली तो बिजली बिजली पानी जो है वो आती करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज़ ओके मतलब बिजली -बिजली का तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब सीन सेट है. ये एरिया आपको बताया मतलब तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है भाई बहुत बड़ी दिस इज़ अलसो हर हाउस हर लैंड नो नो आ अजर्स ओह बट नो गेट सो नो नो या बट दिस इज़ हर लैंड ओके तो ये पूरा बैकयार्ड है भाई आप देख सकते हो कितना ह्यूज है ये वॉशरूम बना हुआ है यहाँ पे और ये देखो भाई व्हाट इज़ दिस फॉर नाउ देन वाट फर्टिलाइजर uh, um, ओ खाद है खाद ओके okay, ओके okay. तो ये एरिया भाई पूरा खेती बाड़ी के लिए फर्टिलाइजर है देखो इसमें ये रेडी करते हैं पूरा देन इस बीकर में रख के खेतों में ले जाके यूज करते और डीजल आई गेस इट्स डीजल इंजन लगा हुआ ही है डीजल या पेट्रोल या तो ये पेट्रोल वाला है जिसमे भाई फर्टिलाइजर या पानी वानी जो भी ले जाना हो खेतों में ले जाया जाता है बाकी इधर आप देखोगे ये पूरा एरिया अब ये तो किसी और का घर आ गया तो ये पीछे ही पीछे ना गलियाँ बनी हुई है जैसे ये रोड है पूरी भाई तो यहाँ से कोई साइड से निकला उनके घर भी जा सकता है यहाँ भी बैक यार्ड आ सकता है और इधर से इधर भी जा सकता है एंड ये इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू इंडिया ऑल्सो हाउस ओके ओके बिकॉज दिलेज Go to the city, okay, and uh, leave the lands in village. Oh, so okay. they, they will pay the money to them and uh, um, leave the lands for uh, um. plants or something. Make uh, so government are paying them for yeah. this. Oh, yes. okay. तो भाई वैसे तो ना यहाँ पे जो गांव के लोग है वो ज्यादातर सिटी में काम करते हैं हैं लेबर बट कुछ लोग अपनी भी भी करते फिर उन खेती बाड़ी से जो सामान उगता है वो बेच के अपना गुजारा चलाते था बट गवर्नमेंट ने इनको पे कर दिया है तो दिस इज हर लैंड बट गवर्नमेंट पेज देम फॉर प्लांटिंग बनाने के लिए थी, इनको पैसा देती है कि आप घर ना बनाओ सिटी में आओ और यहाँ पे थोड़े प्लांट उगाओ ताकि ग्रीनरी भी रहे ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहे प्रॉपर पोलूशन कंट्रोल हो तो ये सिस्टम चलता है yeah, okay. और बाकी घर आप देख ही सकते हो भाई जो दीवारे हैं वो तो प्रॉपर ईटो की बनी हुई है पर प्लस्तर वगैरह नहीं कर रखा और पाइपिंग भी जो है ना वो ज्यादातर ओपन में ही है मतलब इतने भी वो वाले मॉडर्न घर नहीं है बट हाँ ये है कि इनकी छत जो है वो वाली है जो आप ज्यादातर हिमाचल और उत्तराखंड के घरों में देखते हो ना ताकि बारिश और बर्फ का पानी इसमें टिके ना एंड साथ ही साथ भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी जुगाड़ पूरा कर रखा है इन्होंने इस तरह से जो भी पानी बारिश का इकट्ठा होता है वो या तो पता नहीं टैंक में जाता होगा या नाली में जाता होगा बट है जुगाड़ इनके पास प्रॉपर भाई फॉर वर्ट फॉर वॉशिंग राइस यस राइस का जो छिलका होता है तो भाई जो तो भाई देखो यहाँ पे बर्तन धोने के लिए कोई भी डिटर्जेंट या केमिकल नहीं यूज होता ये जो चावल का ऊपर के छिलके होते हैं ना इससे बर्तन धोते हैं एंड फॉर क्लोथ ऑल्सो वॉशिंग क्लोथ ऑल्सो Cloth for this for no, washing? No, no, no. because uh -huh. this is a uh, kitchen waste. Oh, okay. They okay. will use it for fertilize uh, land. Okay, okay. Because they plant organic vegetables. Yeah, that means no chemical things. Uh -huh. They all, um, all should be clean. Yes, not be polluted. 嗯，你可以给他介绍，就是说这个米汤洗碗之后，我们可以循环利用，可以喂家禽，嗯、可以做堆肥去，嗯、呃，种植我们的植物花草，嗯、这些都是可以的。Okay, one using is, u、uh, one is for the fertilized land. Another is the chicken. You saw i t h h i c k e e it. ओके okay, yes. तो चिकन का चारा भी है नो वेस्ट या ओके तो यहीं पे इन्होंने सिंक भी लगा रखे देख रहे हो एक चारा कितने सारे फायदे भाई साहब गजब यार चलो आओ भाई अब आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ आगे चल के अरे लाइट ऑन कर दी इन्होंने ये देखो मैं स्टोर रूम सा बना रखा है एक वॉशिंग मशीन भी है भाई बाथरूम है इनका और

तो ये वाला तो ये खुद यूज करेंगे और ये वाला जो है गवर्नमेंट अपना ले जाएगी इनका सामान तो सही है भाई देख लो एंड दिस इज मार्किंग फॉर व्हाट व्हाट्स इट व्हाट्स इज मार्किंग फॉर विच पेन इज फॉर व्हाट्स इट ओ ओके 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 सो दे हैव रिटन दिस और द गवर्नमेंट हैज रिटन दिस रादर Oh, they they write this They write. This. Okay. So, they uh, They also accept some, uh, you know, some students okay. who come to here for a summer holiday. Oh, okay. So, for them, they have written this. Okay. They, they will, The students can have a better understanding of mm -hmm. how, uh, the modern.

फैमिली फार्म शिव ने शिव में शिव में शिव में तो ये अपना इन्होंने फार्म का या घर का पूरा नाम दे रखा है बड़ा बड़ा एंड वट्सों का फॉर एक्टिविटीज लाइक डांसिंग एंड ऑल ओके तो पूरा एक होल बना रखा है इन्होने बड़ा सा सो इट्स फॉर देम और फॉर अदर्स ऑल्सो for others also the student who came yeah, okay or, yeah. mm. so like from students they will charge or government will pay uh, their university will pay uh, this teacher mm. they teacher organize the uh, tour tour okay. or the activities they, uh -huh. they will pay some too oh. because they also offer the food food and, okay uh, stay also uh, yes. Okay. So that that's bunk bag for the students. Yeah, yeah. Oh, आओ आपको दिखाता हूँ But where where they live? they have three bedrooms. Okay. One, this one is for uh, her and her husband. This one is for guests, this one's for her son, and okay. this dormitory. for students. So And what's that? Just a storeroom? yeah I think so, so uh, yeah. mm -hmm. yeah. you know some yeah that's a storage story yeah and uh, you know this village this village is uh, close to the city so yeah. um, some students want to experience oh, the village um, country life country okay now. सो so, जो हमने आपको शहर दिखाया था ना वो प्रॉपर शहर ही था एंड देन उसके एक किलोमीटर आगे ये गांव है तो स्टूडेंट्स उस शहर से भी आते हैं तो अभी देखो सबसे पहले तो इन्होंने भाई डोमेट्री बना रखी है जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए तो इस तरह के भाई छः बंक बेड लगे हुए हैं रहने के लिए अंदर भी लगे हुए हैं और अपना अप्लाइंसिस वगैरह सो फर्स्ट बेडरूम ये वाला जो बेडरूम है ये इनका है ओबियसली अंदर जाके तो क्या दिखाना यार ऐसे अच्छा नहीं लगेगा मतलब वो खुद ले जाएंगे तो ठीक है और इसके अंदर दूसरा बेडरूम है वो है भाई गेस्ट के लिए और ये वाला जो बेडरूम है ये है इनके बेटे के लिए तो तीन लोगों की फैमिली है हस्बैंड वाइफ एंड बेटा और ये पीसने के लिए भाई दिस इज चक्की आ, चक्की वी कॉल दिस चक्की इन in इंडिया चक्की सोयांग सोयांग ओके सोया मिल्क ओके सोया मिल्क ओके तो वही है चक्की टाइप है भाई घुमाते है इसको और बाकी ये पता ही आपको किस लिए यूज होता है काटने के लिए सीधा वी कैन कट सोहन विद दिस विद्स हो रिया है, तो ही है तो ही <laughs> लो भाई तुम लंबे हो तो तुम्हारे नीचे से टांगे काट <laughs> गाइड भी नोटे <laughs> <laughs> चलो भाई आओ अच्छा एक चीज और भाई चंदूना पांडास के लिए बहुत फेमस है मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में तो इसलिए देखो ड्राइंग ड्राइंग जो है ये स्टूडेंट्स नहीं करी हुए यहाँ पे पूरे पांडा की वेयर वी कैन सी द पांडास नॉट इन विलेज नो नॉट इन विलेज बट देयर इज अ प्लेस आई गेस अजू अ प्लेस ओके हाउ फार इज इट आई डोंट थिंक यू कैन मेक इट टुडे बिकॉज़ पेंडा मोर

the Chinese leaves. चाइनीज The under, okay, okay. Oh, stem. तो ये सब्जी है भाई यूनिक चीजें दिखाता हूँ आपको ये देखो भाई साहब अलग अलग रो है जैसे ये एक सेक्शन एक सब्जी का ये एक सेक्शन एक सब्जी का, सब का फिर वो है फिर ये पन्नी से ढका हुआ है पन्नी से तो शायद इसलिए ढकते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है ना तो भाई उसको मतलब वेजिटेबल्स और जो भी फ्रूट्स रहे हैं उनको ठंड से बचाने के लिए वरना खराब ही हो जाएंगे तो उगाने का क्या फायदा है ना कुछ भी यार मतलब मेरे को तो यार पता नहीं है खेती के बारे में कि कौन सी क्रॉप कैसी दिखती है ज्यादा नॉर्मल जो दो तीन है वो पता है या? Citizens know no organic, organic mm. be, um, because oh, we use uh, many farmers use the chemical things to plant. Uh, mm. things. But uh, um, with you know many people get richer and richer, they want organic, more healthy food. Yeah. So that's uh, the marketing mm. the market. Yes, yes. Uh, begins, yeah. So it will be expensive, right? आ रहा है इकोनॉमी बूम हो रही है तो लोग भी कह रहे हैं हमें हेल्थी खाना खाना, खाना है भैया ऑर्गेनिक चीजें दो तो इसलिए फार्म जो है ना वो ऑर्गेनिक वाले बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ बट एक्सपेंसिव होता है जिनका पैसा वही अफोर्ड कर सकते हैं It will take three or five years to change the earth. You know? Okay, the soil. Yes, yeah, soil. Okay, uh, make it um, fer fertilized. Fertilize. Oh, okay. Organic and, uh, mm -hmm. and not and uh, 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 you know original because uh, the farmers use the chemicals. Yeah. But yeah. it takes time to get rid of that since. Yes, yes. Yes. And make it more fertilized. Mm -hmm we will see why they covered like this um, due to cold you know for some day during the winter something uh -huh. uh, zero degrees zero degree. degrees yes you, you see this outside become yellow uh -huh. because the low temperature oh okay so, and um, this just but uh, mm -hmm. you who know, is just uh, mainly used for summer because it can waterproof. Oh, because the heavy rain will ruin the yes, yes, yes. yeah, make it for water warm. and snow, also, yeah. maybe, right? No snow, no snow in Chandu, no. never, never. हो भाई चंदू में कभी भी बर्फ़ नहीं पड़ी बट ये जो आप पूरे टेंट देख रहे हो ना ये है भाई बारिश से बचाने के लिए क्रॉप्स को कि ज़्यादा बारिश पड़ गई तो फिर पता है ना फसल ख़राब हो सकती है तो इसलिए ये पूरे टेंट बना रखे है ये वाटर प्रूफ मटीरियल है पूरा का पूरा तो हम इसको मतलब मैंने तो ये पहली बार अपनी आंखों से चाइना में ही देखी है जी टी में जब आप जाओगे ना ट्रेवर के घर के वहां पे है ना वहां पर इस तरह के पूरे के पूरे खेत होते हैं जो इसमें कवर्ड होता है और जो अपना ग्रैंड आर खेलते हैं उनका भी एक फर्स्ट मिशन होता है जिसमें हमें फार्मिंग करनी होती है तो इसी तरह के फार्म बने होते हैं तो ये मेरे ख्याल से पन्नी है ये हाँ, ये ये देखो भाई है जो पानी से प्रोटेक्ट करेगी पूरा पूरा का, पूरा का स्नेक्स। स्नेक्स? Yes? Okay. इंडिया के खेतों में तो बहुत सांप निकलते है भाई आपके card 可以吃，早上，早上。没有毒。Yeah. This, 嗯，你说嘛，反正。嗯，这个呢，就是我们生活当中产生的这些废弃物，所谓就是别人说的垃圾，我们称之为废弃物。我们把这些东西就地处理，去循环利用，恢复我们土壤的有机质、有机含量和腐殖质。Sounds great. Yes. This is all the living. <laughs>

फिर उसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर मिट्टी से कवर कर दिया जाता है ताकि जो सोइल है ना यहां की वो भाई फर्टिलाइज हो जाए एज अ फर्टिलाइजर यूज हो रहा है समझ लो बस दिस इज कोली फ्लावर तो 大家可以看我随手拔啊这个菜是我们采收的嗯 how we okay. uh, you know for uh, for other hmm. uh, earth not um, organized like uh, like like the organic way mm. their own the, the plants the veggies only have one main root mm. yes yes not many not so many this just like uh, these things yeah yeah um, the, the, the veggies the plants ha has to um, stretch uh, their roots yeah to, yeah yeah um, so this is because of fertilizer. You mean what? This is because of fertilizer. Yeah. Oh, yeah. okay. Be because like you know so. they came chem chemical uh, since They they can they, they don't have to make efforts to mm. suck the energy. Yes, yes, yes. Uh. So yeah, chem yeah. chemical make it more easy. Yeah. But it takes time yeah, with the fertilizer. Yeah. Yeah, for the veggie hmm. uh, half months uh, slower you know oh the, okay okay then the chemical growing period

你看，mm hmm. 它这个土壤的有机质和这个土壤的这个团粒结构是肉眼能够看得见的。就是有，for，for，other，land，so，solid，you，can，not，so，soft.、Um, mm hmm. 哦、oh,，OK，OK，the，chemical，one.Yeah.Right.So，bhai，jo，chemical，wale，hote，hain，wo，kaafi，zada，tight，hote，hain.Maybe，the，vegetables，the，the，all，the，plants，can，grow. Very well at hmm. the beginning, uh, first two years, but after that, the soil becomes nowhere I know, and oh. uh, ruined the earth. Uh, uh, do yeah. not like this. It's um you know can uh, each year it also remains the uh, fertilizing. Oh okay. So yeah why disadvantage too. Look, chemical. अभी ये क्या हो रहा है वो चाइनीज़ में बोल रहा है फिर ये इंग्लिश में फिर मैं आपको हिंदी में तो तीन तीन ट्रांसलेशन चल रही है यहाँ पे बट ठीक है अपनी ऑडियंस को समझ आना चाहिए मेन तो वही है या ऑल आर वेजिटेबल्स नॉट फ्रूट्स ओनली वेजिटेबल्स ओके इनके खेत में तो भाई सिर्फ वेजिटेबल्स ही उगती है कोई भी फ्रूट वगैरह नहीं है यहाँ पे पेड़ आम वाम का होता है लीची का होता है भाई मज़ा आ जाता है पर ठंड में उगे ही नहीं लीची तो खैर ये भाई इन्होंने कुछ तो तबेला सा बना रखा है यहाँ पे this is fertilizer，是我们专门做的一个堆肥区域。那这个呢，主要是用我们农田的那些植物残渣，嗯、<哼>植物的，就是这这类似的植物的残渣，嗯，啊，去就是比如说我们生活当中的油饼呐、啊、花生麸、米糠，就是刚刚洗碗那个米糠洗碗的那个米糠，来做的那种，啊、呃，就是营养的有机堆肥。 主要是给植物提供营养的。嗯，uh, <okay. S 1> 对。The, um, we can i s d e this. Let's say organic fertilizer. They come from the, uh, plants. Okay. Um,、uh, you know. They buy this or they made this? 你们是买的还是说有自己的？呃，uh, 有一部分是自己的，有一部分是买的，因为我们自己生产的不够。 Uh, to buy uh, some part of these things will uh will buy from because not enough if they made so yes by yes. themselves. Uh, all, do the, you know the all um oil some uh oil in this place we use that seeds to make oil. Yes, yes. So after, so the waste left. Oh, the seed waste. Yeah. After uh, extracting uh, the yeah, oil, yeah, okay. Yeah, yeah. So, but it's a very good fertilizer for oh the soil. Yes, and uh, hmm. this uh, one, uh, one kind of fertilizer. Uh -huh. and this one, they need time to be. Uh -huh. to be तो ये जो फर्टिलाइजर है ना कुछ इन्होंने खुद बनाया कुछ इन्होंने खरीदे हुए और जो भाई सीड uh, होते हैं ना जिससे तेल निकलता है बीजों से तो जब तेल निकल जाता है जो बीज का वेस्ट बचता है उससे ये फर्टिलाइजर बने हुए हैं तो ये एक टाइप के फर्टिलाइजर है सेकेंड टाइप का फर्टिलाइजर है कुछ इस तरह से भाई ये देखो ये पत्तों से हाफ नीड टू Uh, okay, okay. <laughs> yeah. okay. yes. तो राइट right? yes. कोई केमिकल का यूज नहीं है तो अच्छी चीज है ये काफी बड़ा लैंड है यार इनका ये तो प्राइजेस वगैरह पूछता हूँ यहाँ पे जमीनों के गाँव में कितना डू यू नो द प्राइजेज ऑफ लैंड इन विलेज लाइक price of land of this land in village how much it will cost if I buy a land uh, and as a foreigner can I uh, buy the land here like <laughs> for 70 years I don't think so <laughs> okay. it's um, for land mm. saying that's the most strict uh policy. General, policy and if you want to buy a farm in this uh, I, I, we cannot buy you we cannot can buy. no no, no for 70 years lease uh, you can. Only small area, just this land just for building. Okay. Not every land you can, uh, mm -hmm. can be bought for building. Okay. So, but this land is specifically for uh, yes. the vegetables. Vegetables, or it's just for farm Farming, using, oh. not for building. Same so like India. Change.

only for rent for renting for 70 years right no no how much then uh 70 years no that's 70 years that's for uh House building building, building okay uh, for, for farming that's uh -huh. uh, all these things uh, this lands for uh belongs to village okay but village distribute it to each uh -huh. villagers free of cost or oh, uh, free, 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 okay, free, but just for using. Okay, but uh, they don't own it. You cannot sell, you uh, cannot buy, uh, but okay. you can rent from other villages. Okay, okay. Villages, uh, uh -huh. For their um, Sudo Pinfang Liu, Liu Ba 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 Liu, Liu per uh, 666 66 square meter oh. 366 square meters uh, 2000 yen 2000. monthly one year one, one year, year okay yeah. तो 2000 हज़ार यानी एक साल का यानी कि इंडिया के चौबीस हज़ार रुपये आप लगा लो किराया है फॉर थ्री सिक्सटी सिक्स स्क्वायर मीटर्स के खेती के लिए मतलब फार्म के लिए आप यहाँ पे ख़रीद नहीं सकते भाई जो विलेज है उनकी ये ज़मीन है वो लोगों को यहाँ पे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देन वो लोग आगे रेंट पे दे सकते हैं वो उनकी चॉइस है yeah. You know this uh, hmm. uh, now is uh, winter, right? Yes. So that's a uh, off season for farmers. Yeah. Uh, some farmers will

These are electric scooters? Electric. देख लो भाई हर जगह पे इलेक्ट्रिक स्कूटर है brand new. Brand new और इन्होंने ये कंबल सा लगा रखा होता है इसमें हाथ डाल के ताकि गर्म रहे इनका चलाते वक्त ना कोई दिक्कत ना हो तो ये इलेक्ट्रिक चीजें तो गांव हो चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो चाहे मेन लैंड चाइना हो चाहे तिब्बत हो हर जगह पे भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर तो चाइना में है ही है ये देखो भाई कितनी बड़ी जमीन है मतलब मैं अभी खरीदना चाहता हूँ भाई इंडिया में ना ऐसी बड़ा सा लैंड उसमें एक फार्म हाउस हो और अपना सैटरडे संडे घर वालों के साथ जाओ मज़े करो वहाँ पे मज़ा आता है शांति में हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी शहर की लाइफ अच्छी है नो डाउट हर चीज़ें मिल जाती है बट थोड़ा सा कभी कभी एस्केप की ज़रूरत पड़ती है ना ये जितनी भी आप रोड देख रहे हो ना पक्की हो रही है जो पेड़ है ये सारे के सारे भाई गवर्नमेंट ने उगाए हैं यहाँ पे क्योंकि अगर वो ये वाली ज़मीन भी खेती बाड़ी के लिए दे देंगे ना तो फिर विलेजर जो है वो केमिकल का यूज़ करेंगे और जब बारिश होगी ना तो यहाँ की केमिकल वाली मिट्टी एक रिवर है पास में उसमें जाके बहेगी तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती रिवर में केमिकल्स मिले तो इन्होंने ये वाला एरिया पूरा का पूरा ऐसे पेड़ वेड़ लगा दिया मस्त और ये खेती बाड़ी के लिए नहीं दे रहे क्योंकि रिवर के पास में हैं भाई है भाई हमें की की पूरी की पूरी तो भाई देखो कुछ इस तरह से चाइना के गांव दिखते हैं और ये एक चाइना के गांव की फैमिली है जिनके साथ हम पूरे टूर ले रहे हैं इनसे मैं आपको मिला ही चुका हूँ एंड वट इज नेम ली 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 उनका नाम है ली तो ये वाइफ है इनका एक बेटा है एंड सन विलेज और तो तीन लोगों की फैमिली है जैसे कि मैंने आपको बताया चलो तो आओ आगे थोड़ा सा और देखते तो ठंड बढ़ती जा रही है भाई ग्रीनरी है ना यहाँ पे तो और ठंडी हवा लग रही है हवा तो नहीं चल रही आज बट वैसे फील हो रहा है And do you know how how many families live in this village? About five thousand people. Five thousand people. Five thousand लोगों की जनसंख्या है भाई इस गांव की. Families तो नहीं पता अभी exact कितनी है. बट पांच हजार भी काफी होता है है ना छोटा गांव नहीं इसका मतलब ट्रक जो भी बोलने है, और एक सामने भाई गाड़ी भी है निशान की है ना शायद से यहाँ तो मतलब ऐसा नहीं है भाई गरीब लोग है पूरे अमीर है और इनके भी देखो भारी मुर्गे रख रखे कुकड़ू को करते हैं They, ओके, ओके। गाड़ी दो दो रख रखी रक है अच्छा है हर विलेज तो मतलब ऐसे ग्रीन ग्रीन सा पर ये देखो ना आप भाई गाँव में भी कितनी साफ सफाई है लाइक इंडिया के तो गाँव में आप देखोगे पन्निया पड़ी हुई है बोतले फेंक रखी है लोगों ने लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा भाई बिल्कुल क्लीन एनवायरमेंट साफ सुथरा बस जो भी दिखेंगे पत्ते दिखेंगे वो तो कोई रोक नहीं सकता भाई पेड़ से अगर गिर रहे हैं तो है ना सही में यार लोगों पे ही डिपेंडेंट है ये चीजें गवर्नमेंट कितनी सफाई कर लेगी किसी जगह के जब तक लोग इन्हीं गंद मचाना छोड़ेंगे तो इंडिया या इंडिया जैसे और देश जहाँ पे थोड़ी गंदगी ज्यादा रहती है सड़कों पर वहाँ पे सुधार जब ही आ सकता है जब हम लोग अपनी मेंटेलिटी चेंज करेंगे और रोड पे नहीं फेंकेंगे अगर हम भी रोड पे फेंकेंगे तो भाई फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है बाइठल रिवर भाई रिवर भाई बाइठल रिवर करके ये है देखो कितना तेज पानी भर रहा, रहा है जैसे कहीं पे बारिश वारिश हुई है ओ भाई धीरे धीरे नीचे पैर और सीधा पानी में धक्का दोगे क्या पागल हो गए हो गया तुम बदतमीजी कर रहे हो हैं <laughs> कह रहा धक्का दू क्या ये देखो भाई कितना तेज पानी है भाई कहा से आ रहा है ऐसा ही है इतना तेज है कोई डैम वैम तो नहीं डैम तो क्या होगा खैर बारिश आई होगी सही में कहीं पे उसी की वजह से फ्लो है और पानी भी देखोगे ना भाई बिल्कुल साफ सुथरा चमका पड़ा है वैसे क्या लगता है सोहन इनसे पूछना तो नहीं चाहिए लोगों के वॉशरूम जिनके नहीं होंगे वो यहाँ पे करते होंगे सुबह नहीं करते होंगे नहीं करते होंगे ऐसे मुझे भी लग रहा है सबके घर में वॉशरूम तो बने हुए भाई अब पूछू भी क्या पूछू की यहाँ पे आके हगते हो आप <laughs> <laughs> गलत बात है चलो छोड़ो बट ओवरऑल भाई पानी काफी ज्यादा साफ है और ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है मतलब आप देखो ना ठंड के टाइम पे भी इतनी ग्रीनरी है और अगर हम विंटर सीजन में ओ समर सीजन में आते

आपके लिए पता नहीं कितना डालू वैसे मैं कोशिश करता हूँ जितना शूट करूँ डाल ही दूँ लेकिन जो फालतू के पार्ट होते हैं वो कट कर देता हूँ जैसे अब वो चाइनीज में बता रहे हैं फिर वो ट्रांसलेट कर रहे हैं काट दूंगा वो एक्स्ट्रा खामा लंबी हो जाती है वीडियो ये देखो भाई लोग साइकिल वाइकल चलाते हैं मस्त नीहा हो जा रहे अंकल जी और ये देखो भाई बोर्ड लगा हुआ है डेंजर स्टे अवे फ्रॉम वाटर स्विमिंग तो करनी नहीं, नहीं है सब साइन बोर्ड गाँव में भी लगा रखे है बताओ ऐसे और अच्छी बात यह है भाई इंग्लिश में भी लगा रखे है पता नहीं क्यों यहाँ पे तो टूरिस्ट आते नहीं है पर हाँ वो स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं शायद इसलिए इंग्लिश में लगाया होगा चलो आओ अब इस वाली रोड पे चलते हैं और देखते हैं एक दो घर को कैसे लगते हैं यूनिक एक्सपीरियंस है भाई हमारे लिए भी और आपके लिए भी अभी तक हम आपको सिटी सिटी दिखा रहे थे ना बड़ी बड़ी तो अब थोड़े से विलेजेस दिखाते हैं ये देखो इनका घर कैसा है टीन का है उधर ईटो की दीवारें हैं और नीचे ही पूरा खेती बाड़ी का वो बना रखा है फार्म इन्होंने बढ़िया एक एकदम Uh, the, uh, uh, the plants to cover Their roof, the dry yeah dry plant to cover their wood. roof. Not uh, because they changed it, but they okay. hide the sheep shape is the uh -huh. uh, original original and traditional. So earlier it was like uh, they cover their roof with the plants. Yes, in India same. आई टेलिंग यू दिस दिस टाइप ऑफ कई अपने होते हैं झोपड़ी जी ने कहते हैं कि ऊपर वो उनसे टहनियों से पत्तों से ही छत बनाते हैं साउथ साइड में मिलेंगे अब जैसे भाई ये घर है तो ये वाला इन्होंने देखो लकड़ी की स्टोरेज बना रखी है पीछे बाथरूम और टॉयलेट है और सामने की साइड में घर है भाई और गाड़ी वाड़ी रखी हुई है और एक डॉग भी है जो हमको भोक रहा है देख के भाई पर वो बंदा हुआ आ नहीं सकता जब तक बंदा है मैं सुरक्षित हूँ मुझे कोई डर नहीं है ये मेरे ख्याल से पत्ता गोभी है भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है फूल गोभी है पत्ता गोभी जो भी कहते हैं तो ये पूरी लाइन देख रहे हो आप ये उसी की है खेती बाड़ी और ये वाले जो खेत है वो शायद से इन वाले घर के होंगे सामने सामने एंड ये देखो भाई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं टीन वीन बनवा रहे हैं या तो ये हाँ टीन ही है क्योंकि नीचे देखो ना जमीन पक्की वाली है भाई वेल्डिंग चल रही है वहाँ पे सामने देख रहे हो भाई साहब पूरा ऐसे आंखों पे वो लगा लुगू के ड्रेस में आए हैं ये या तो शहर से ही आए होंगे गांव से तो क्या आएंगे या तो ये भी भाई इन्हीं का ही खेत है मुझे तो लगा ये जो सामने वाला घर है ना इनका होगा दिस इज पटेटो यस यस अंडरग्राउंड या तो ये इन्होंने रेंट पे ले रखा है एंड हु ओन्स दिस लैंड दे ओके कोई होगा भाई विलेजर जिनका ये है एंड इन्होंने उनसे रेंट सो हाउ मच दे पे फॉर दिस लैंड ईयरली तो ये भाई यहां से लेके सारी ज़मीन जो इन्होंने रेंट पे ले रखी है, 2000 युआन एक साल के यानी कि इंडिया के रुपीज में। आप बताना भाई गाँव के हिसाब से सस्ता है या महंगा है मुझे तो रेट पता नहीं है गाँव में क्या है छोटू सा डी है इधर भाई साहब पता नहीं तो ये आलू है जैसे कि दिखा रहे थे It's the dry leaves, right. dry leaves. Yeah, keep the warm, oh. warm and keep water inside. Make, yeah, okay. inside and against the wild grass. यस 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 तो ये सूखे पत्ते जान के लगा रखे हैं ताकि अंदर ठंड ना जाए पानी मेंटेन रहे और जो वो वीड उगती है ना वीड मतलब वो गांजे वाली नहीं जो एक्स्ट्रा अनवांटेड ग्रास होती है उससे बचाने के लिए ये देखो भाई काफी सारे यार इनका मतलब मोटी पार्टी लग रही है मेरे को है तभी इतना ज्यादा खेती बाड़ी हो रही है ऑल दी थिंग्स दे ग्रो दे सेल टू द गवर्नमेंट और सम एजेंट इज अ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑनलाइन सोजे जितने भी ये खेती बाड़ी में भाई चीजें उगाते हैं ना एक प्लेटफॉर्म है ये ये उनको सेल कर देते हैं फिर वो प्लेटफॉर्म के पास काफी सारे अलग अलग कस्टमर्स हैं जिनको वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या उनको कस्टमर्स को बेचते हैं और कुछ कुछ कस्टमर्स इनके पास डायरेक्टली भी है जो इनसे फ़ोन पे या फिर विजिट करके भी सब्जियां खरीदते हैं पूरे साल में तो उस हिसाब से इनकी इनकम होती है तो वो ये बता रहे हैं भाई अपने इंडिया में भी ऐसा होता है गाँव में ना कुछ लोग तो अपने ट्रेडिशनल घरों में ही रहते हैं जो नॉर्मल है और कुछ लोग इस तरह के भाई मॉडर्न घर भी बनाते हैं देख लो क्या ख़तरनाक लग रहा है भाई तो ये किसी का घर रेडी हो रहा है हो सकता है वो कुछ टाइम पे यहाँ पे शिफ्ट भी कर जाए और जमीन वगैरह देख सकते हो और सामने ही खेती बाड़ी भी हो रही है प्रॉपर भाई काफ़ी हद तक भाई सिमिलैरिटीज़ है इंडिया के गाँव जैसी कुछ कुछ चीज़ें अलग है बस एक तो ठंड भी उसमें मेजर रोल प्ले करती है ऊपर से फिर यहाँ की क्रॉप्स वगैरह भी थोड़ी बहुत अलग ही होगी इंडिया से सब कुछ चीज़ें तो सेम नहीं होती है इंडिया में तो हर तरह की वेजिटेबल्स वग़ैरह उग जाती है भाई ओ हो ठंड लग रही है भाई अब और भूख भी लग रही है आई होप कुछ अच्छा ही खाना मिले अब जैसा भी होगा देखो खातिरदारी वो हम कर रहे हैं ऐसे पैसे वैसे तो ले नहीं रहे ऑब्वियसली फ्री में कर रहे हैं तो हमें तो मतलब जो मिलेगा खा लेंगे वही कंप्लेन करे भी ना ना बट वैसे जनरली बताऊँ बहुत तेज भूख लग रही है चंदू में इंडियन रेस्टोरेंट है कल रात को हमने मंगवाया था पर इतना कुछ खास लगा नहीं टेस्ट और महंगा भी था थोड़ा सा पर खाना तो है ही अब क्या कर सकते हैं ये देखो भाई कितना बड़ा फार्म है ये यहाँ से शुरू होते हुए ओ हो वो एंड तक पूरा और इसमें भी ऊपर वो पन्नी लगेगी पूरा फ्रेमिंग तो बना दी गई है मेटल की ये देखो भाई घर के अंदर इन्होंने संतरे का पेड़ लगा रखा है अभी तो पूरे बड़े हुए नहीं है छोटे छोटे ये खट्टे होंगे बट उग जाएगा ये देखो ये दिस वाटर इज कमिंग फ्रॉम द रिवर रिवर से ही आ रहा है भाई पानी जैसे अपने हिमाचल में होते हैं ना साइड में खड्ड बने होते हैं छोटे छोटे वैसे यहाँ पे ही बने हुए तो यहाँ पे अपने लोग जो है वो इस तरह से बर्तन बर्तन धो लेते हैं साइड में आके जैसे ही अपने चाकू और वो भी धो रही है धार बना रही है वो भी सकते हैं हाँ भाई ये छोटे ही होते हो मीठे हैं तो वो सीढ़ी लगा रहे हैं मेरे को लग रहा है लेने गए हुए हैं भाई देख हाँ वो चढ़ गए दिस इज समवन एल्स हाउस राइट बट दे कैन टेक एनी थिंगे तो भाई जान पहचान वाले पड़ोसी है इसलिए वर्ड्स ओके

More than okay. more families, yeah, yeah. Okay. Uh, because the government uh, okay. recommends the organic, like th like this. Yeah. Okay. So, uh, for example, if uh, uh, he grow one kg potatoes mm. organically mm. and one with chemical, mm. what's the price difference? Uh, if you vegetables and तो तो फर्क दो से तीन गुना अगर रुपए किलो आलू बिक रहे हैं वो वाले केमिकल वाले तो ऑर्गेनिक वाले बिकेंगे बीस से तीस रुपए में लो जी आ गए यहाँ का संतरा ये है चाइनीज संतरा जो चाइना के गांव में हुआ है मीठा है कि नहीं है चलो वहीं खाएंगे अभी तो हाथ ही जम रहे हैं काम नहीं कर रहे मेरे तो हर घर में भाई एक तो डॉग है और ऐसे पिद्दू पिद्दू से डॉग है देखना कैसे कैसे मटक मटक के चल रहा है सोन तुम्हारी तरह चल रहा है थोड़ थोड़ा थोड़ा मटक मटक के हैं आए शर्मा गई अच्छा एक चीज मैं बता रहा था हर घर के बाहर ना ये बैम्बू जरूर उगाते हैं क्योंकि बैम्बू जो है ना भाई वो यूज होते हैं टूल्स की तरह औजार बनाने के लिए और ये देखो भाई यहाँ का एक और मॉडर्न घर एंड गाड़ी देखो ये चाइनीज ब्रांड है हवल करके और घर देखना क्या मस्त लग रहा है ना पूरा भाई प्रोपर हुए हुए बढ़िया आ जाओ खा लो यही है तुम्हारा दोस्त खा जाओ इसे डराओ मत है ओए चलो चलो आ जाओ ये देखो भाई साहब मस्त नी हाओ अरे अभी उड़ जाते हैं तुम बेटे एक ये रखे खेत तो भाई इतना बड़ा और देख रहे हो गांव में भी ऐसे मस्त रंगीन ग्राफिटी वगैरह कर रखी है ट्रिनिटी 2018 ये क्या है भाई ट्रिनिटी तो कॉलेज है भाई एक शायद से योर टीम नेम इज ट्रिनिटी कॉलेज हाई स्कूल हाई स्कूल ओके फ्रॉम ब्रिटेन यस आई वेंट देयर यस इट वॉज इन कौन सी जगह था स्कॉटलैंड और पता नहीं कहाँ पे? ट्रिनिटी स्कूल ऑफ कॉलेज स्कूल नहीं ट्रिनिटी कुछ तो नाम था भाई तो उन्होंने ये बनाया है एंड इनकी टीम थी भाई ये जिन्होंने पूरा ये करा है चलो जी हम इनकी वीडियो बना रहे हैं भाई और ये हमारी वीडियो बना रहे हैं। देखो लिटरली <laughs> भाई हाथ इतने जम रहे हैं फील नहीं हो रहा मुझे कि मैंने हाथ में कुछ पकड़ रखा है ऐसा हो गया ये देखो भाई स्वीट पटेटो यानी शकरगंदी उगा के, शकर रखी है, पिंक -पिंक सी पे शकर गटो ही है ना नहीं यार ये स्वीट पोटेटो नहीं है तो कुछ और लग रहा है आ, लग भी रहा पता नहीं यार क्या चीज है एंड ये देखो भाई पत्ता गोभी है क्या है ये अजीब से कुछ लग रहा है भाई साहब ये किसी और का घर है घुसना नहीं अंदर भाई कहीं गोली आए पट से इनको अगेन ओके हाँ तो ये सुखा What रहे हैं यहाँ पे यस यस देख रहे हो भाई प्लास्टिक की पन्नी को भी रीसाइकल कर रहे हैं यहाँ पे धोते हैं और इस तरह से पेड़ पे टांग देते हैं और फिर यूज करते हैं संतरे तो भाई ठीक ठीक है ना ज्यादा खट्टे हैं ना ज्यादा मीठे हैं सही टेस्ट लग रहा है अब आ गए हम भाई खुले एरिया में चाइना के देसी गांव आप इन्हें कह सकते हो कितने बड़े बड़े फार्म है भाई भाई दूर दूर तक लोग है मजेदार ऐसे स्माइल कर करके बात करते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं ये देखो ये पतले पतले आपको ब्लैक कलर के पाइप दिख रहे हैं भाई ये पूरा ना पानी को स्प्रिंकल करने के लिए इन्होंने बना रखा है जिनका भी ये खेत है देखो एंड तक की काफी सारे पाइप्स ही पाइप है हर जगह पे इंडिया में इसे बोलते हैं फुआरे फू आ रे भाई किसी के खेत के बाहर इस तरह से पौधे भी है जो बेचने के काम आते हैं मतलब जो शहर वाले लोग हैं अपने घर में प्लांट करने के लिए ऐसे डायरेक्ट ले जाते हैं और सीधा गमले में डाल देते हैं और उग जाते है तो मेरे पीछे आप जितने भी है ऐसे टेंट से देख रहे हो ये समझ लो नर्सरी है जहाँ पे पौधे उगते हैं और फिर आगे बेच दिया जाता है उनको अच्छा ये इन वाले टेंट के ऊपर देखो भाई इन्होंने ना यहाँ पे पाइप लगा रखे है और ऐसे लटका रखे है तो डायरेक्ट ऊपर से पानी टपकता है ये देखो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारा पानी के लिए ही है भाई और इस तरह के भी है डंडे दोनों तरह के चलता है सिस्टम ठंड की वजह से अब बोला भी नहीं जा रहा भाई अपने ही वर्ड लड़खड़ा रहे हैं जबकि टेम्परेचर इतना नहीं है पता नहीं क्यों फिर भी ठंड लग रही है मे भी शायद पौधे है ना आसपास इसलिए तो यहाँ पे अभी बिजली का रेट पूछ रहा था मैं इलेक्ट्रिसिटी का तो ये बता रहे हैं कि गाँव हो चाहे शहर हो सबका रेट सेम है बट जो फैक्ट्री होती है कमर्शियल उनके लिए डबल है तो यहाँ पर एक यूनिट है हाफ यानी इंडिया के छह रुपए तो अपने माँ भी यही सीन है भाई छह रुपए के आसपास बट हिमाचल उत्तराखंड के कई शहरों में एक दो रुपये यूनिट भी है भाई जैसे मेरी बुआ रहती है वहाँ पे तो बहुत कम बिजली का बिल है बट यहाँ पे जितने भी जो चाहे गाँव हो चाहे शहर हो सेम आएगा भाई आपका बिजली का बिल छः रुपए पर यूनिट एंड वट अबाउट वाटर वाटर बिल एम पर क्यूब मीटर टू एन पर क्यूबिक मीटर तो ये क्यूबिक मीटर का तो मुझे हिसाब नहीं पता इंडिया में टू एन मतलब हो गया अपना ट्वेंटी फोर रुपीज़ का इंडिया में कितना बताना जरा कमेंट्स में अच्छा ऐसा कहा जाता है भाई चाइना ना पूरा कैमरा से कवर्ड है चप्पे चप्पे पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं तो ये देखो भाई गाँव की सड़कों पर भी कैमराज है दीज कैमराज आर इंस्टॉल्ड बाई गवर्नमेंट और द विलेजर्स ये विलेजर्स नहीं लगा रखा है ताकि इनके जो खेत है भाई वो खेत पूरे कैमरा में सीसीटीवी में रिकॉर्ड होते रहे बट वैसे आप देखोगे ना पूरे चाइना में भाई बहुत कैमरेज है रोड में गलियों में हाईवे पहाड़ों तक पे कैमरे है भाई तो समझ लो सिक्योरिटी पूरी रखते हैं भाई साहब क्या नज़ारा लग रहा है देखना दूर दूर तक हो मज़ेदार और गाइड हमारे बता रहे हैं कि पूरे चाइना में जितने भी विलेजेस है ना भाई बिल्कुल वीराने वाले विलेज क्यों ना हो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी तो गारंटी करती है हर गांव में और जो इस तरह के गांव में बड़े 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 मतलब छोटे बड़े जो भी हो टैप वाटर इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी एंड साथ ही साथ में गैस यानी कि सिलेंडर नेचुरल गैस वो फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट गारंटी करती है यहाँ हर गाँव में मतलब कोई बहुत ही विदाने में हो गाँव तो वहाँ पे ये सब नहीं मिलेगा पर बिजली तो वहाँ भी मिलेगी सैम्योल मतलब से तो गार्लिक मतलब भाई लस्सन है यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा जिसे चाइनीज में बोलते हैं एंड थैंक यू इज शष शिष्य हेलो शिष्य ही बोलता था मैं रहने तो शिष्य में हमेशा शिष्य बोलता था कहता नहीं से, 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 से। पता नहीं क्या यार सोहन है इट्स शीशे चलो भाई घर आ गया इनका ये अपनी गाड़ी खड़ी ऊपर चलते है आपको दिखाता हूँ जो एक्टिविटीज के लिए इन्होंने एरिया बना रखा है ना बढ़िया सा लग रहा है देखना शीशे वीशे तो सीढ़िया भी प्रॉपर भाई लोहे की बना रखी है इन्होंने अच्छे से ऊपर जाने के लिए मजबूत है भाई पेंट वेंट नहीं कर रखा है इसको ऐसी रो छोड़ी हुई है और वैसे मजबूत है और दरवाजा देखो भाई लकड़ी का वो वो और यार बढ़िया है अंदर से तो देखो है ना फ्लोरिंग भी कर रखी है वुडन वाली मस्त एकदम और ये पूरा हीटर ए सब है तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिकली एक्टिविटी रूम पूरा ये बड़ा सा हॉल है ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे दिस इज फॉर स्लीपिंग ये।, ये देखो भाई सोने के लिए इन्होंने फ्लैट बेड बना रखा है और उस उसपे ऐसे पतले पतले गद्दे बिछा देते हैं और यहाँ सो जाते हैं लोग फ्री अल्मीराज भी है एसी भी लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी तो भाई पूरी कर रखी है इन्होंने ये इनका घर है मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ अच्छे से गड्डी खड़ी है अपनी बोरी नीचे एक ये कमरा है भाई यहाँ पर देख सकते हो आप कमरा क्या स्टोर रूम है और बाथरूम है ये हिंदी वाली टॉयलेट सीट्स है सारी की सारी भाई खाना तो नीचे ही खाते होंगे यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटीज़ होती है ऐसे बुक्स वगैरह रख रखी है पूरी ये देखो भाई फैन है पूरा सामान मतलब जो भी स्टूडेंट्स आते हैं एक्टिविटीज के लिए मतलब प्रोजेक्ट हो गया या एक्सपीरियंस के लिए ही आ रहे हैं विलेज लाइफ की तो उनके लिए फैसिलिटीज़ पूरी मिलेगी यहाँ तो ये कह रहे जितनी भी यहाँ की दीवारें बनी हुई है ना भाई ये सीमेंट कॉन्क्रीट से नहीं बनी हुई नेचुरल मटीरियल है जो भी यूज़ करा गया मतलब कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हर चीज़ बड़ा एनवायरमेंट को देखते हुए इस गाँव में मुझे दिखी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई है खाद भी ऑर्गेनिक हो गई घर भी इस तरह से बने हुए हैं तो ओवरऑल मुझे तो भाई काफ़ी पसंद आई है चाइना का गांव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना अभी ट्राई करते हैं यहाँ का खाना थोड़े से हमारे पास भी रेड ट्रीट फूड पड़े हैं तो एक दो पैकेट इनके लिए भी हम बना देंगे इनके किचन में ये हमें चाइनीज फूड ट्राई करवा रहे हैं हम इन्हें इंडियन फूड ट्राई करवाएंगे भाई है ना कैसा लगा आईडी पहले तो अंदर चल के आग में अपने हाथ सेकते हैं थोड़े से ताकि जान वापस आए हाथों में क्योंकि अजीब सा हो गया हाथ इस तरह से डब्बों में ये जो है ना सब्जियां पैक करते हैं जैसे कि ये देखो भाई अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं एक डब्बे में, में पांच वेजिटेबल्स होती है और ये डब्बा नेम ऑफ द कस्टमर ओके तो जिसको ये जाने वाला है भाई मिस्टर वन मिस्टर वन मिस्टर वन ओके तो भाई जो भी मिस्टर वन है देख रहे हैं वो आपका डब्बा देख लो हम कट करके दिखा रहे हैं भाई तो ये वाला काट सकते हैं भाई वो किसी का पैकेज था दिखाते हैं आपको दिस है एट एटलीस्ट फाइव भाई पांच तो होती है इनमें वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक तो इसमें भाई प्याज है मेरे ख्याल से ये देखो प्याज है पत्ता गोभी है ये है पता नहीं क्या व्हाइट वाले प्याज है

सेवन ट्वेंटी रुपीज़ चार्ज करते हैं इस डब्बे के जिसमें भाई टोटल पांच वेजिटेबल्स है ऑर्गेनिक वाली वो भी तो भाई अपना खाना निकाल रहे हैं एक कड़ी और एक दाल तड़का और इनको भी ना गिफ्ट देकर जाते हैं अपने राजमा चावल के डब्बे निकाल लो है चार पांच इनको दे देते हैं निकालो चार पांच इनको भाई गिफ्ट में दे जाएंगे मस्त एकदम राजमा चावल भी दाल मखनी भी और हम अपने गाइड को भी देकर जाएंगे क्योंकि इनको भी बहुत टेस्टी लगा था भाई इंडियन खाना तो मैंने कहा कोई नहीं अपना तो खाते रहेंगे पूरी ज़िंदगी हैं इनको खिला देते हैं थोड़े बहुत छः पैकेट दे दो है ना तीन यहाँ दाल मखनी दे दो तीन राजमा बाकी गाइड को भी दे देंगे चार चार पाँच पाँच पैकेट हमें तो डेढ़ सौ डेढ़ सौ रुपये के पड़े थे इंडिया में ये तो इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है भाई बट इनके लिए टेस्ट में मज़ा आ जाएगा इनको इंडियन खाना खा के प्लस हम अपना इंडियन खाना भी प्रमोट कर रहे हैं दूसरे देशों में जाके चलो भाई उनको गिफ्ट दे, दे देते हैं और ये पैकेट हम गर्म करवा लेते हैं आज वो भाई साहब तड़का लग रहा है यहाँ तो ख़तरनाक लेवल का देख रहे हो भाई कढ़ाई oh, okay. में दिखाना ये दिखाओ ये देखो भाई कड़क तड़का लग रहा है होई, 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 होई। पूरा धुआं धुआं हो गया सब्जी है ये ऑल आर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो भाई हम खाएंगे वो भी चाइना में देख रहे हो वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत मुश्किल है बट मिल रहा है तो ये समझा रहे हैं इनको कि गरम करना है क्या <laughs> थीथी थीथी। 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 थीथ थीथी। थीथी। <laughs> चलो जी गिफ्ट अच्छा लगा ये भी ट्राई करे जरा इंडिया अपना चाइना के गांव में इंडिया का खाना देख रहे हो वाई मजेदार और यहाँ पे तड़के लग रहे हैं है वो, 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 क्या बनाएंगे मुझे नहीं पता बट जो भी है ये देखो भाई क्रेजी सीन हो रहे है ये क्या भाई काला काला सा पानी

嗯、mm hmm.，I like the noodle. Yes, it's good. 这个是直接倒在米饭上吗？呃、hmm.，可以拿一个碗，然后倒到碗里让龙龙尝一下，就是拿个勺子，就是印度的咖喱。啊，嗯，for normal dinner, just、mm hmm. one or two dishes. Yes, for guests. For <laughs> In India also. Only for vegetables. In India also，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我一，我 बट ढंग से खाया नहीं जा रहा नूडल्स इतनी ज़्यादा स्लिपरी है कि फिसल रही है तो अब मेरे को ना ऐसे खाना पड़ेगा उठा के क्योंकि यहाँ चम्मच तो होते नहीं है भाई इसी से खाना पड़ता है बट चटपटे हैं नूडल्स तो ये भाई देखो ऐसा खाना है कि हाँ आप ट्राई कर लो एक दो बार बट एज अ इंडियन आप रोज़ रोज नहीं खा सकते क्योंकि आपको इंडियन खाने की आदत है इतनी ज़्यादा बट एक दो बार, एक बार एक्सपीरियंस के लिए अच्छी है भाई भाई ये काले काले से ना कुछ तो है बट इतना टेस्टी है भाई ये ऐसे क्रंची क्रंची सा है पत्ता ही है किसी प्लांट का बट भाई बहुत टेस्टी है मज़ा आ गया तो नूडल्स अभी तक अच्छे लगे ब्रोकली तो अच्छी है ही और ये भी अच्छा है और एक एक चीज़ें ट्राई करते हैं और खाते हैं बाकी अपनी कड़ी भी आ गई है भाई इंडिया की वो रेड ट्रीट वाली तो ये हम तो नहीं इनको ट्राई करवाते कैसा लग रहा है हाँ भाई सोहन कैसा है राजस्थान के लोग कैसा लग रहा है पेड़ पौधे खाने उस दिन हमने अपने गाइड को राजमा दाल और एक बार दाल मखनी भी ट्राई करवाई थी ना वो आज कड़ी ट्राई करे है चम्मच लाओ भाई दो क्या बात है भाई चम्मच मिल गया मजे आ गए हुए हैं सो वट डू यूटीटर यस खट्टा खट्टा है ना ये कड़ी भाई बट uh, इनको मैगी अच्छी लगी थी भाई ज़्यादा कैन यू ट्राई देम ऑल्सो कड़ी ट्राई करेंगे और देख के चावल से भाई वे इसे चॉपस्टिक से कैसे खा लेते हैं भाई चावल ये देखना मैं भी तो खा रहा हूं मैं मिक्स से तो नहीं खाया रे ढंग से ये देखो मिक्स विक्स तो चलो ठीक है भाई बट ये देखो भाई वो हुए, हुए, हुए पूरे चम्मच जितना रख लेते हैं

ज़्यादा इनको भी परेशान नहीं करते कैमरा ऑन करके और हम भी खा लेते चैन से चलो जी भाई खाना वाना हो गया है मस्त हो गया मेरे को मतलब पता नहीं था कि भाई चाइनीज़ खाना भी इतना अच्छा हो सकता है वेजिटेरियन हो भी ऐसे स्पेशली ब्रोकली ये काला काला जो भी था भाई नाम नहीं मुझे पता बट क्रंची क्रंची सा था ठीक है और नूडल्स भी अच्छे थे चावल तो ठीक ही थे ये मुझे अच्छा नहीं लगा इतना अचार सूप मैं पीता नहीं और पत्ता गोभी मुझे वैसे ही पसंद नहीं ओवरऑल भाई मैं दस में से नौ नंबर देना चाहूँगा इस खाने को जो मैंने आज खाया बाकी बाहर देखो भाई वे, 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 हो <tap> भाई। होए पूरा अंधेरा हो चुका अरे भैया अब तो इतनी देर हो निकलने की तैयारी है ठंड ऊपर से और लग रही है बहुत तेज है ना थक रही ठंड आज कल सही था मौसम आज कम है कम मतलब टेम्परेचर कम है ठंड लग रही है

फार्म का uh, नंबर ऑडियंस तो को मतलब इंडिया आल्सो राइट इन चाइना कुछ भी आपको चाइना में रहते हुए वेजिटेबल्स ऑर्डर करनी है इनके थ्रू तो आप डायरेक्टली कर सकते हो नंबर में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इंडिया वालों के नहीं है जो चाइना में उनके लिए है ठीक है <laughs> Who family hmm. can call me and, yeah. and let me arrange. <laughs> so, let me show you the real countryside in China. Oh, yes, yes. yes, yes. Real village देखना चाहते हो तो आप Edward को भी call कर सकते हो वरना इनका address तो धीरे दूंगा मैं. Okay. So we will see you, see them next time. Next uh, life. Next? No, <laughs> no, no. Next life. Next time. <laughs> maybe no. May, maybe say this year old, only only. Okay. क्या पता फिर से plan बने अपना आने का तो let's see. Okay. So. चलो 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 जी चलो। चलते हैं लेट्स को आजो। चलो भाई चलो। तेरा डिग्री है बाहर पर पता नहीं क्यों यार आज ठंड लग रही है माइनस तेरह में भी नहीं लग रही थी इतनी ठंड तो इतनी आज फील हो रही है तो गाइड आगे आगे चलेंगे सिटी तक हम इनके पीछे पीछे चल लेंगे मैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद विलेज तो के बाद नही है, नहीं है। में ना। साम। साम। एक बोलने नहीं दे रहे भाई खुद ही बोले <laughs> तो विलेज <laughs> के बाद एक शॉप पे आए थे इन्होंने गाइड ने बताया कि यहाँ पे ना ईयर क्लीनिंग होती है चाइना की बहुत फेमस तो भाई साहब ऐसा एक्सपीरियंस था मतलब कि कुछ तो इनके पास डिवाइस था ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे और मोर पंख ये दिख रहा है आपको ये ये मोर पंख ना कान में डाल के वाइब्रेशन कर रहे थे भाई साहब ऐसा लग रहा है मेरी सुनने की पावर डबल हो गई है You know together, thank you so much. Uh, thank you. Uh, mm. <laughs> she is asking she serve you um, hmm. do you are you satisfied? Yes, yes. with her yes, yes. service? Yeah. Uh -huh. For sure. <laughs>

Free. yes. <laughs> 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 भाई? <laughs> भाई 98 बारह सौ रूपए बारह सौ रूपए के कान साफ करे बट एक्सपीरियंस था। चंदू सि बाहर है ये भी नाइट मार्केट ना देखना पूरा जगमगा रहा है आस पास सब कुछ ये देखो भाई रात के साढ़े दस बज रहे लेकिन पूरी चहल पहल हो रही है भाई यहाँ पे और इस तरह के स्ट्रीट फूड भी है मतलब ये देखो जैसे ये मिल रहे हैं ना भाई इस तरह की रेडी लगी हुई है सोसेजेस वगैरा सब कुछ मिल रहे यहाँ पे बट अभी तो भूख नहीं है भाई हमें तो यार ये एक बेसमेंट की पार्किंग थी, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी हमारे गाइड ही पे कर दी पार्किंग फीस तो मुझे पता नहीं भाई कितना है जा रहे हैं ये इनकी गाड़ी है ये अपने घर चले जाएंगे हम अपने होटल चले जाएंगे, यहाँ से पच्चीस तीस मिनट का रास्ता है ज्यादा से ज्यादा ये लिखा भाई तीन युवा पर घंटा तो हमने अराउंड दो घंटे रख खड़ी करिए यहाँ पे मोटा मोटा आप लगा लो सेवेंटी टू रुपीज तो ठीक है दो घंटे के तो है ना इतना ज्यादा नहीं है तो अभी हमारे लिए खोलेंगे इनका तो डायरेक्ट खुल जाता है नंबर प्लेट स्कैन करते हैं लेकिन हमारे लिए ये मतलब स्कैन करेंगे फोन से फिर खुलेगा फाटा खुल जा सिम सिम बूम बाम भीम बाम धूम 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 जाम बूम बाम बूम बाम खुल जा धूम धाम धूम धाम बूम बाम देखा बेटे मंत्र आते हैं मेरे को बिना पैसे दिए खोल देते हैं फाटक लो जी पार्किंग में लग गई है गाड़ी साड़ी हो रही है देखो भाई यहाँ पे क्या खड़ी है लेक्सस भाई साहब यार क्या लगती है हैं लैंड क्रूजर से ज्यादा लग्जूरियस है ये बट वही बात है भैया बहुत मोटा पैसा देना पड़ता है इसके लिए फिर